हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सुरक्षित है जहां पर इस स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। 14 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जीवीएम में कैद हुआ। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल इस वक्त फोनलाइन के जरिए मौजूद हैं। मुकेश, क्या अपडेट है? स्ट्रांग रूम के बाहर सब कुछ ठीक ठाक? देखिए बिल्कुल आराम का, स्ट्रांग रूम के बाहर सब कुछ ठीक है क्योंकि 3 लेयर सिक्योरिटी है वहां पे। और जैसा कि आपने देखा पूरे दिन कहीं से भी हताहत की कोई खबर नहीं आई, क्योंकि अमूमन ये होता है जब भी कोई चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो तो कहीं से ना छोटी बड़ी खबरें आती है कहीं ना कहीं निकलकर। लेकिन इस विधानसभा चुनाव की बात करें, हम उपचुनाव की बात करें बड़ौदा की, तो कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लगातार मोर्चा संभाले हुआ था ताकि किसी भी तरह से कोई घटना ना हो, और यही हुआ, कोई भी घटना सामने नहीं आई। बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरह से आप कह सकते हैं कोरोना काल में जिस तरह से मतदान होने के आसार नहीं लग रहे थे, लेकिन उससे भी बढ़िया मतदान हुआ है क्योंकि कोरोना काल में लोग भी घर से बढ़ चढ़ कर निकल रहे थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वोटिंग में। उसके अलावा जो चुनाव आयोग है जिनकी तरफ से पूरी पहले ही गाइडलाइंस दी गई थी, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स की बात करें हम, टेम्परेचर नापने की मशीन की बात करें, तमाम चीजें मुहैया करवाई गई थी। जो पोलिंग पर लगातार सुबह से ही आपने देखा कि जिस तरह से मतदाताओं में हुजूम था, सुबह लंबे लंबे कतारें थी तमाम बूथों पे और लगातार ये जो लाइनें हैं वो देखने को मिले। हालांकि दिन में कहीं जो कुछ बूथ है उस पर लोग जरूर कम आए, लेकिन शाम होते होते जो फीसदी है यानी 68% मतदान पूरे हुए हैं जैसे कि चुनाव आयोग की रिकॉर्ड में कहा गया है। तो कहीं ना कहीं आज की बात करें तो 14 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका किस्मत का फैसला अब 10 तारीख को होना है, क्योंकि ईवीएम में तमाम जो वोटर्स है उन्होंने अपना जो जनादेश है वो दे दिया है कि अगला विधायक उनका कौन होगा, कौन सा कैंडिडेट होगा जिनको वो लोग चंडीगढ़ भेजेंगे और अपने विधानसभा का विकास कराएंगे। हालांकि अनामिका, एक बार आपने देखा कि यहाँ पे जिस तरह से कहा जा रहा था जातिगत समीकरण भी सामने आ रहे थे, लेकिन जाति और भाई जाति से उठकर लोगों ने यहाँ पे मतदान किया है, उन्होंने जाति के नाम पे वोट नहीं दिया बल्कि इन्होंने विकास के नाम पे वोट दिया है। कौन उनके क्षेत्र का विकास करवा सकता है, कौन कैंडिडेट हो सकता है, उनके नाम पर उन्होंने अपनी मुहर लगाई है आज। तो कहीं ना कहीं आज का जो मतदान था वो पूर्ण हो गया है और जो स्ट्रांग रूम है वहां पे हालांकि जो ईवीएम की मशीनें हैं उसको लगातार लाया जा रहा है। करीब 12 बजे तक समय बताया जा रहा है तमाम जो बूथ सेंटर है वहां से ईवीएम मशीनें जो है वहां पे रख दी जाएगी। हालांकि 3 लेयर सिक्योरिटी की भी इंतजाम की गई है जिसमें एसपी लेवल की बात करें, डीएसपी लेवल की बात करें या डीसी लेवल की बात करें, अधिकारी भी अब मौजूद है। इसके अलावा बात करें तो स्ट्रांग रूम के बाहर जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी अपना डेरा जमा लिया है 10 तारीख तक के लिए, क्योंकि देखा जाता है हमेशा आपने देखा कि चुनाव में ये चीजें सामने निकल के आती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिलता है स्ट्रांग रूम के बाहर से। और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी अपना डेरा जमा लिया, जहाँ एक और पुलिस ने मोर्चा तो संभाल ही रखा है, वही दूसरी और बात करें जो दूसरे कैंडिडेट्स है उनके भी जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी अपना डेरा जमा लिया है वहां पे, और लगातार ईवीएम की सुरक्षा में कह सकते हैं कैंडिडेट के जो नेता जो कार्यकर्ता है उनके अलावा जो पुलिस फोर्सेज है ये तमाम चीजें हैं जो वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी है कि किस तरह से अब वहां पे तैनात की गई है पुलिस प्रशासन की, किस तरह से वो सुरक्षा वहां पे मुहैया करवाते हैं, लेकिन ईवीएम का आना शुरू हो गया है और ईवीएम तमाम जो बूथ है वहां से ईवीएम को लाया जा रहा है, जो हाईटेक सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, हाईटेक सिक्योरिटी के तहत ईवीएम की जो मशीनें हैं उसको लाया जा रहा है स्ट्रांग रूम में। और लगातार वहां पे जो भी स्ट्रांग रूम के अंदर जो भी कार्यकर्ता की बात करें हम, चाहे पोलिंग एजेंट की बात करें हम, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, कोई भी अंदर जाएगा, हालांकि परमिशन किसी को नहीं दिया गया, स्पेशल पास जारी किया गया जिसमें अपडेट के लिए हमारे साथ जेएसएन साहब जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ या विश्लेषक आप कह सकते हैं। आपका विश्लेषण क्या कहता है? 68% मतदान दर्ज किया गया नैन साहब। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जब मतदान ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो रूलिंग पार्टी के थोड़ा खिलाफ जाता है। हालांकि मैंने इस इलेक्शन को बड़ी बारीकी से देखा है और इसमें तीनों पार्टियों ने बड़ा जोर लगाया है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने जोर लगाया था, परंतु इनेलो जिस तरीके से जोर लगाया है तो उससे भी ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन 3 गुना हो जाए। उसमें जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के सभी मंत्री, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, परिवहन और अधिकारी भी जहां तक देखा गया है, इस सभी ने जोर लगाया है और
प्रभावी तरीके से, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में उपेंद्र सिंह हुड्डा और देवेंद्र हुड्डा दोनों से खूब जोर लगाया, बाकी तो इतना मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। एक दो रैली बाकियों ने की है, तो जहाँ तक इनेलो की बात है, इनेलो की अभय चौटाला और ओम प्रकाश राणा दोनों ने बहुत जोर लगाया। अब ये जब मतदान ज्यादा होता है तो आमतौर से ये देखा जाता है तो मतदान विरोधी पार्टी के खिलाफ होता है। 64% मतदान नैन साहब बीजेपी के लिए एक टेंशन की बात हो सकती है कि वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ हो जाता है, जब ज्यादा वोट डाले जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग अपनी नाराजगी दिखा देते हैं, क्या टेंशन के लिए, टेंशन की बात बीजेपी के लिए? बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है कि इससे, क्योंकि ये जो कानून आमतौर पर अभी नया नया मुद्दा था और वो मुद्दा देखने करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और वो मुद्दा भी खूब बनाया गया और राहुल पार्टी ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को लेकर लोगों को काफी जो है ना बताया कि इस तरीके से बीजेपी किसान विरोधी है और किसानों की वोट पर उन्होंने इस तरीके से भी प्राप्त करने की कोशिश की है, क्योंकि बड़ौदा एक ऐसा हल्का है जो ग्रामीण वाला हल्का है, उसमें सबके सब 55-56 गाँव है और गाँव के लोग जो है वो किसान है, तो इसलिए उनका मेन जो पेश है वो कृषि है, तो जब भी कृषि के खिलाफ कोई कानून बनता है तो इसमें कोई शक नहीं कि गांव के लोग विरोध करते हैं, पर ये केवल बड़ौदा नहीं बल्कि मैंने देखा कि सारे हरियाणा में जो कृषि कानूनों के बारे में बात होती है उसमें हर आदमी जो किसान है वो सरकार के खिलाफ, तो वैसे भी आप देखते हैं, हम देखते हैं कि मुलाजिम है उनके अंदर भी थोड़ी सी वो है और उसके बावजूद किसान भी विरोध हैं, व्यापारी भी विरोध हैं, परंतु उसके बावजूद आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि जब बाई इलेक्शन होता है उसको मुश्किल लोग ये कहते हैं कि सरकार से क्यों टक्कर ली जाए, क्योंकि सरकार तो इनकी है, काम तो इन्होंने करना है, अगर एक आदमी अगर कांग्रेस का जीत भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आमतौर पर जो वोट देते हैं, परंतु जहाँ वोटिंग ज्यादा हुई है ऐसा लगता है कि रूलिंग पर चैलेंज होगा और वैसे वास्तविक तो 10 तारीख को पता लगे कौन टीका है और इसमें एक अगर डायरेक्ट फाइट होती तो कुछ और असर होता, परंतु मुझे लगता है कि नेहरू की रैली हुई थी उसमें बहुत ज्यादा साला थी और वैसे भी उन्होंने कोशिश की तो वो भी अगर वोट लेंगे वो सारी की सारी वोट जो है ना कांग्रेस इसको कांग्रेस को इफेक्ट करे, इसलिए इस इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, परंतु सरकार के लिए चैलेंज जरूर है, इतना आसान नहीं है किसी तरीके से कि हम ये आसानी से कह दें कि बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया है और ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस का पलड़ा भारी हो। बिल्कुल नैन साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि टाइमिंग की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम हुई है उसका खामियाजा हो सकता है कि बीजेपी को यहाँ पर भुगतना पड़ जाए? कृषि कानून बहुत ही ताजा मामला था और कांग्रेस ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया, किसानों की नाराजगी, ये जो टाइमिंग था कानून का लाया जाना, अध्यादेश का बिल और फिर कानून का बनना, इसका खामियाजा हो सकता है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि ये ताजा ताजा मामला था और अभी तो आंदोलन चल रहा होगा, कई जगह धरने चल रहे हैं और अभी 5 तारीख को फिर उन्होंने धरना 3 तारीख को करना था, आज इलेक्शन की वजह से उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था ये किसान यूनियन ने धरना, वो 5 तारीख को फिर करेंगे मेरे ख्याल में, हरियाणा बंद के भारत बंद की काल उन्होंने फिर दी है, तो ये ताजा ताजा मामला था और लोग ताजी ताजी चीज को कहने को भी भूल चुके हैं, अब आप तो ताजा ताजा था, लोगों के अंदर इस चीज का गुस्सा भी था, तो इसलिए ये चीज जो है ना कृषि कानून खासकर बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर अगर ये मुद्दा तो, नहीं भी होता, अगर ये मसला नहीं भी होता जो विपक्ष के लिए मेन हथियार बना, तो क्या कांग्रेस के इस किले में सेंध मारना इतना आसान था बीजेपी के लिए, जेजेपी को साथ लेकर? और क्या वाकई जेजेपी अब भी धरातल पर उतनी ही मजबूत है जितनी की बीजेपी के खिलाफ वोट लेने के वक्त थी? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पहले इलेक्शन में 43-35 जो हजार थे वोट बीजेपी ले रही थी, परंतु अब बीजेपी जितनी भी वोट हैं या तो कांग्रेस पे भी हैं या इनेलो पे भी,
मतलब वो वोट जो है ना वो बीजेपी के पास नहीं गई, वो सारी चेंज हो गई है, क्योंकि आम किसान वोटर जो है ना वो जेजेपी को इस समय पसंद नहीं कर रहा। तो ये कहने की बात हो गई कि हम साझा प्रत्याशी लेकर आए हैं, साझा चुनाव लड़े, तो केवल कहने के लिए हो गया है ना? बिल्कुल कहने के लिए है, वो वोट सारी ट्रांसफर हो गई है। पहले जो है कि 35,000 वोट थे, अब की वोट इतनी नहीं थी, और लोगों के अंदर ये चीज है कि क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस परिवार से खासकर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब किसानों की कोई बात आएगी तो ये परिवार जो है ना वो स्वीकार करेगा और वो किसानों के साथ खड़ा रहेगा, परंतु वो ऐसा नहीं हुआ। इसलिए लोग आमतौर पर जेजेपी से नाराज हैं, और वहाँ के एमएलए आप देखते हैं कि जो जेजेपी के एमएलए हैं वो खुल कर बोलते हैं, वो अपनी सरकार के खिलाफ भी खुल कर बोलते हैं। चलिए मैं लौट रही हूँ नैन साहब आपके पास। बीजेपी के लिए जितनी हमने बातें की, जरा प्रतिक्रिया एक बीजेपी से भी ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। जीएस नैन साहब से हम बात कर रहे थे, 68% मतदान एक अच्छे खासे मतदान के तौर पर देखा जाता है, हालांकि 70 पार की उम्मीद थी, लेकिन विश्लेषक का ये कहना है कि उनका जो विश्लेषण है वो ये कि अगर उपचुनाव में ज्यादा परसेंटेज आ जाए वोटिंग को लेकर तो समझना चाहिए कि सरकार के प्रति नाराजगी है। अनामिका जी, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से वडोदरा की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस उत्साहपूर्वक तरीके से लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया और बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से हिस्सा लिया, उसके लिए बधाई के पत्र है और उनको बहुत बहुत साधुवाद। जहां तक आप बात ज्यादा वोट परसेंटेज कह रहे हैं, और उससे दोनों बातें होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये जो लोगों ने इतने उत्साह से उतनी ज्यादा भारी तादाद में वोटिंग किया और सरकार को समर्थन देने के लिए लोगों ने वोटिंग की है, सब राजनीतिक विश्लेषक अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के योगेश्वर दत्त जी एक अच्छे मार्गदर्शन से वहाँ से सीट। लेकिन ये गणित समझ में नहीं आ रहा ना सर, ये गणित थोड़ा मुझे समझा दीजिए कि आपको क्यों लग रहा है कि योगेश्वर दत्त जीत जाएंगे। वैसे जीत जाए, शुभकामनाएं हमारी सभी के साथ, जो भी प्रत्याशी हैं चुनावी समर में शुभकामनाएं सभी के साथ हैं, लेकिन एक गणित में चाह रही हूँ, मैं सभी से पूछ रही हूँ, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि ये गणित थोड़ा समझाइए, क्या समीकरण बैठते हैं योगेश्वर दत्त के पक्ष में? जो राजनीतिक होता है वो गणित के हिसाब से भी होता है, गणित में एक और एक इक्वल टू 2 होता है, लेकिन राजनीति में कई बार एक और एक 11 भी होता है। इस चुनाव के अंदर जिस तरह से लोग नहीं राजनीति में एक और एक 11 कैसे हो सकता है, एक और एक 2 ही वोट मिले ना सर, मैं बिल्कुल सही सवाल पूछ रही हूं। मैं कह रहा हूं कि राजनीति के अंदर वो जो मैथमेटिक्स स्कूल कॉलेज में वो मैथमेटिक्स गणित यहाँ वही है सर, कुल जितने वोट पड़े थे आपको वही है, वही गणित है, स्कूल कॉलेज वाला ही है, क्यों कोई भेजेगा स्कूल अपने बच्चे को, वही गणित है, क्या बात कर रहे आप? मैं समीकरण समझना चाह रही हूँ सर। राजनीति को गणित के गुणा भाग के हिसाब से प्लस माइनस के हिसाब से ना सोच सके, राजनीति के अंदर ये नहीं होता कि हाँ इस जाति की इतनी वोट आज प्लस। अभी कमाल कर रहे हैं संजय शर्मा जी अभी थोड़ी देर पहले तक पैनल बैठा था ना, मैं आप ही क्यों सुन रही हूँ सर? एक मिनट, एक सवाल है, एक लाइन का सवाल है मेरा, प्लीज मुझे अलाउ करें, एक लाइन का सवाल है प्लीज। अभी थोड़ी देर पहले पैनल बैठा था तो यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि जेजेपी के वोट मिला के हमारे कुल वोट इतने होते हैं, वो तो अच्छे से गणित समझा रहे थे, आप तो दरकिनार ही कर रहे हैं मेरे सवाल को सर। लोगों ने क्या कहा, मैं अपनी बातें जो कह रहा हूँ, बोलिए बोलिए आप क्या कह रहे हैं, एंकर क्या कह रहा है, राजनीति विश्लेषक क्या कह रहे हैं, दोस्तों क्या कह रहे हैं, मैं बात में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से आपको इसका विश्लेषण बता रहा हूँ कि जो बड़ौदा की जनता है, सबसे पहले तो उसने ये देखा कि अभी 4 साल इस सरकार के हैं और बड़ौदा का विकास लोग चाहते हैं, और बड़ौदा के विकास के लिए सरकार अगर होगी तो तभी तो विकास के लिए वहां का वकील जो होगा एक एमएलए के रूप में वो बातों को उठा पाएगा और वहां के लिए पैसे लेकर के आ पाएगा। विष्णुमूर्ति हुड्डा जी जो पहले विधायक रहे वो इस तरह से यहाँ की पैरवी नहीं कर पाए। दूसरी बात ये है कि जो कैंडिडेट हमने लिया वो कैंडिडेट का कद का चित्र बड़ा था कि कांग्रेस का कैंडिडेट उनके आगे कुछ था ही नहीं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके बेटे वो दोनों अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर ही इस चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन लोगों ने ऐसा कहा कि 2024 का चुनाव आएगा उधर तब हम आपको देख लेंगे, लेकिन अभी तो हम क्योंकि हमारा बेटा जिसने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, दुनिया के अंदर ये दिखाया कि हरियाणा के गांव से पैदा हुआ और इतना बड़ा मेडल लेकर के आ सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम आज वोट देंगे, इसलिए
पहलवान योगेश्वर दत्त जो कि मान सम्मान है पूरा, तो उसके लिए लोगों ने वोट दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी वोट प्लस प्लस, उसकी वोट प्लस करके ना करके, बल्कि अन्य पार्टियों के भी ऐसे लोग जो कैंडिडेट को देखते हैं और जो सरकार के लिए वोट देना चाहते हैं, विकास के लिए वोट देना चाहते हैं, उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। हमारे जुर्मों सर, ये वोट किन लोगों ने किसके पक्ष में दिया ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला, बहुत ही साफ गोई के साथ, खूबसूरती के साथ आपने सवाल को बाईपास कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार फिर पूछ रही हूँ, साझा प्रत्याशी का क्या मतलब था, साझा चुनावी मैदान में जाने का क्या मतलब था, अभी थोड़ी देर पहले तक ये कहने का क्या मतलब था कि हमें जेजेपी के भी वोट मिलेंगे, हमें बीजेपी के तो वोट मिलेंगे ही मिलेंगे, हम जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जेजेपी के अलावा भी हमें वोट मिले हैं, जेजेपी हमारा गठबंधन का सहयोगी है, तो जो गठबंधन का सहयोगी जब चुनाव लड़ रहा होता है तो स्वाभाविक रूप से गठबंधन के लोग भी वोट डालते ही हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा जो कांग्रेस के वोटर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने वोट दिया है, मैं तो यहाँ तक की बात कह रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी और बीजेपी के लोगों को वोट नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, सुरेश रोड हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, मैं जरा आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लूं, उनसे फिर लौट रही हूं आपके पास। सुरेश रोड जी, सुना आपने बीजेपी प्रवक्ता को? सुरेश रोड, चलिए संपर्क टूट गया, नैन साहब आप हैं क्या? आपको इनका गणित समझ में आ रहा है जो ये कह रहे हैं कि जेजेपी के साथ लड़ रहे हैं तो फायदा उसका तो हमें है ही है, कांग्रेस के वोटर्स ने भी हमें वोट दिया है तो वोट क्यों देगा? वो तो ख्याल में वोट नहीं देगा, कांग्रेस का तो अपने ही कैंडिडेट और पूरी तरह इशू है, परंतु बीजेपी ने जहां तक मैंने पहले बताया था कि बीजेपी का भी ये जा जाएगा, तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो तो कि पहला इलेक्शन को अगर आप देखा जाए तो वो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने लड़ा, अब उनकी सरकार इकट्ठी है और इलेक्शन में उन्होंने उनका जो कैंडिडेट है वो दोनों का इकट्ठा कैंडिडेट है, परंतु वो ट्रांसफर नहीं होते, कैंडिडेट जरूर है, ये जरूरी नहीं है क्योंकि वोट ट्रांसफर होगी, क्योंकि वोट जो है ना वो आमतौर पर लोग अपनी मर्जी से वोट देते हैं, वो पार्टियों के कहने से वोट नहीं देते, और जब किसान का मुद्दा है तो किसान एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आमतौर पर ये देखा गया है कि किसान किसान की वो फेवर करेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वोट दे देते हैं, वेलिंग माइंड होते हैं, वो वोट जरूर दे देते हैं, परंतु ये इलेक्शन है कि जिस इलेक्शन में कृषि जो कानून है इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है, और ये बीजेपी जीत जाए या कांग्रेस जीत जाए इसमें ये नहीं आप कह सकते कि इसमें से कौन सी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि दोनों पार्टियों में एक बैलेंस था मुझे लगता है, परंतु एक और प्रॉब्लम वो जो नजर आती है वो ये आमतौर पर ये था कि शायद ये इलेक्शन डायरेक्ट हो जाए, परंतु ये डायरेक्ट नहीं हुआ, ये तीन गुना इलेक्शन हो गया क्योंकि इनेलो काफी वोट ले रही है और इनेलो जो वोट लेगी वो कांग्रेस की लेगी, क्योंकि वही जो जाट बेल्ट है वो वोट उसी के पास जाएगी, तो इसलिए ऐसा भी लगता है कि शायद बीच में से बीजेपी ही निकल जाए, परंतु आमतौर पर ये इलेक्शन जो है ना वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में टक्कर है और कौन इसमें से निकलेगा ये 10 तारीख को पता लगेगा, परंतु जो बात मैंने पहले कही थी कि जब इलेक्शन में वोटिंग ज्यादा होती है तो आमतौर पर वो सरकार के खिलाफ वोटिंग होती है, बिल्कुल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का। मैं हल्के की जनता ने मंगलवार को अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया, तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बुजुर्गों को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बुजुर्ग भी बहुत बड़ी तादाद में निकल कर पहुंचे घरों से वोट डालने के लिए और उसके बाद सेल्फी खिंचवाते हुए भी यहाँ पर देखिए गजब का उत्साह देखा है यहाँ पर बड़ौदा उपचुनाव के लिए। ये बड़ौदा के वोट वीर हैं जिन्हें तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बुजुर्ग महिलाएं भी खास तौर पर पहुंची, हालांकि दिन चढ़ने के बाद महिलाओं की संख्या में इजाफा देखा गया लेकिन महिलाएं पहुंची जरूर अपने वोट का प्रयोग करने के लिए।
पोलिंग बूथ पर हाथ पकड़कर बुजुर्ग पहुंचे और उनके लिए खास व्यवस्था की गई थी। ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, उन्हें अंदर ले जाया जा रहा था, पीने के पानी तक की व्यवस्था थी पोलिंग बूथों पर। बड़ौदा के ये वोट वीर है जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। एक बार फिर से हम अलग अलग बूथों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची, बुजुर्गों ने वोट का प्रयोग किया, अपने मत के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने मत का दान किया। मंगलवार को बड़ौदा हल्के की जनता अपने घरों से निकली और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिपोर्ट में देखिए बड़ौदा के इन वोट वीरों को। बड़ौदा हल्के की जनता ने मंगलवार को अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में मतदान को लेकर कितना उत्साह देखा गया। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जिन्होंने ये बता दिया कि लोकतंत्र के इस पर्व में उम्र मायने नहीं रखती। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है जज्बा, जो उन वोट वीरों में देखा गया जिन्होंने उम्र को पीछे छोड़कर अपने नए विधायक के लिए वोट किया। कोई बुजुर्ग अपने परिवारों के युवाओं के साथ वोट करने पहुंचा, तो कुछ बुजुर्ग अपने घरों के बच्चों का हाथ पकड़कर पोलिंग बूथ पर पहुंचे, तो कोई लाठी पकड़कर मतदान केंद्र पहुंचा और ईवीएम का बटन दबाया। इन तस्वीरों ने ये साफ कर दिया कि आज की जनता अपने वोट के अधिकार को कितना महत्व देती है। 10 नवंबर को नतीजे चाहे जो रहे, जनता ने ये बता दिया कि उनके लिए पहले मतदान है, फिर आराम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सोनीपत की बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर अपना नया विधायक चुनने में जुटे। मतदान में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर भी कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। कोरोना वायरस के संकट के बीच शुरू हुआ बड़ौदा उपचुनाव एक पड़ाव पार कर चुका है। जागरूक मतदाताओं की कतार सुबह से ही बूथों पर पहुंची और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच मतदान किया गया। तमाम मतदान केंद्रों पर लगातार मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर जागरूक किया गया। बचाव के लिए सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क की व्यवस्था भी की गई। मतदान के बीच भुटाना गांव के पोलिंग बूथ से कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें हरियाणा की संस्कृति के साथ कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। बड़ौदा वासियों ने भारी संख्या में पहुंचकर विकास समेत तमाम मुद्दों पर मतदान कर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर दिया है। लेकिन मतदान के बीच प्रशासन द्वारा जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया, ये काबिले तारीफ रही। बुटाना गांव में डॉक्टरों की एक टीम पोलिंग बूथ पर नजर आई जो लोगों को मास्क बांटकर जागरूक कर रही थी। महारा गांव के पोलिंग बूथ पर भी मतदाताओं का टेम्परेचर चेक करने के साथ ही उन्हें मास्क और ग्लव्स बांटे गए। बूथ के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। उधर सिकंदरपुर माजरा के बूथ नंबर 23 पर भी कोरोना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मतदाताओं को ग्लव्स पहनाए गए ताकि किसी भी तरह की चूक न रह जाए। लेकिन इसी बीच भैंसवाल कला के बूथ नंबर 201 पर बिना मास्क के ही लोग मतदान करने पहुंचे। मतदान केंद्रों के बाहर जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी थी वो भी बिना मास्क दिखाई दिए। हरियाणा न्यूज की टीम ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की और बिना मास्क लगाए लोगों को एंट्री देने से रोकने की बात कही। साथ ही पुलिस कर्मियों को भी मास्क लगाकर और तमाम गाइडलाइंस फॉलो करने की हिदायतें दी गई। बड़ौदा उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तमाम दावे किए लेकिन फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। मतदाताओं ने बड़ौदा के लिए किसको चुना है इसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। लेकिन कोरोना महामारी के बीच जिस उत्साह के साथ लोग वोट करने पहुंचे और जिस संख्या में मतदान हुआ वो काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
बड़ौदा में हुआ उपचुनाव को लेकर अब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। उम्मीदवार और पार्टियां वोटरों को जितना लुभा सकते थे लुभा चुके हैं, लेकिन अब 10 नवंबर को पता चलेगा कि बड़ौदा की जनता के दिलों पर कौन राज कर रहा है। ...2019 में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जीतकर बड़ौदा से विधायक बने श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद ये सीट अपने नए विधायक की राह देख रही है। मगर अब बड़ौदा की जनता का यह इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आज हुई वोटिंग के बाद 10 नवंबर को बड़ौदा को अपना नया विधायक मिल जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि बड़ौदा की जनता किसे चुनकर चंडीगढ़ भेजती है, क्योंकि इस बार मुकाबला मुख्य तीन प्रत्याशियों के बीच में रहा है। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने योगेश्वर दत्त को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से इंदुराज नरवाल चुनावी मैदान में है, तो वहीं इनेलो ने जोगेंद्र मलिक पर भरोसा जताया। बड़ौदा में 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान हुआ, जो शाम को 6 बजे तक चला। इस बार चुनाव कोरोना से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कराया गया, जिसके चलते चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बड़ौदा सीट पर कितने मतदाता हैं, प्रशासन ने चुनावों को लेकर क्या तैयारियां की थी और कितने मतदान केंद्रों पर चुनाव करवाए गए। ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का किया गया पालन। मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। 20 गांवों में अति संवेदनशील बूथ किए गए थे घोषित। 118 लोकेशन में बनाए गए थे 280 बूथ। इनमें से 65 लोकेशन चिन्हित गांवों को किया गया था। 47 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई थी। बूथ पर आशा वर्करों की तैनाती भी की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया था। 1600 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे थे। सुरक्षा के मद्देनजर भी बड़ौदा में पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ौदा हलके को 6 जोन में बांटा गया था। हर जोन में एक डीसीपी की तैनाती की गई थी। बड़ौदा हलके को 30 सेक्टरों में बांटा गया, जिनमें एसआई की टुकड़ी मौजूद रही। अब आपको एक बार बड़ौदा सीट पर 2019 के चुनावी नतीजों के बारे में बताते हैं कि 2019 में इस सीट पर किसे कितने वोट मिले थे। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा ने 42,566 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, तो वही योगेश्वर दत्त बीजेपी की सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे और 37,726 वोट लेकर दूसरे स्थान पर थे। जेजेपी ने भूपेंद्र मलिक को चुनाव मैदान में उतारा था, जिन्हें 32,480 वोट मिले थे, और इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक 3,145 वोट के साथ सबसे आखिरी में रहे थे। बीजेपी और इनेलो ने फिर से अपने पुराने प्रत्याशियों पर दावा आजमाया है, तो वहीं जेजेपी ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए बीजेपी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया। सियासी समीकरण चाहे कितने ही बैठा लिए जाए, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता को ही करना होता है। मंगलवार को जनता ने अपने मतों का इस्तेमाल कर उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया, जो 10 नवंबर को खोली जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 2005 में 74, 2009 में 67, 2014 में 73, 2019 में 68% वोट डले थे और आज भी 68% वोट दर्ज किए गए। बड़ौदा हलके में मतदाता कितने देखे जरा, कुल वोटर 1,80,529, जिसमें पुरुष वोटर की जो संख्या है वो 99,726 की है और महिला वोटर की संख्या 80,801 की है। ट्रांसजेंडर दो ही हैं। एक बार फिर से बड़ौदा हलके में मतदाता, कुल मतदाता और उनका वर्गीकरण आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ौदा सीट पर नतीजे आप देख सकते हैं। पिछली दफा श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के जीते थे, 42,566 वोट मिले थे। योगेश्वर दत्त बीजेपी के दूसरे नंबर पर 37,726 वोट के साथ थे। भूपेंद्र मलिक जेजेपी से लड़े थे और 32,480 वोट इन्होंने लिए थे। अच्छा किया था जेजेपी ने, नई नवेली पार्टी थी, अच्छा प्रदर्शन। बात अगर हम करें सोनीपत लोकसभा सीट के नतीजों की, तो रमेश कौशिक बीजेपी के
सबसे ज्यादा वोट लेकर सांसद बने यहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरे नंबर पर रहे। लंबा गैप था, 1 लाख से भी कहीं ज्यादा का अंतर था। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के 50,904 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे और सुरेंद्र कुमार इनेलो के थे 9,149 रन के साथ सबसे आखिर में चौथे स्थान पर ये थे। सोनीपत लोकसभा सीट के नतीजे एक बार फिर से आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि सोनीपत की ही एक विधानसभा सीट है बड़ौदा, जिस उपचुनाव को हम दिखा रहे थे तो ये नतीजे दिखाना जरूरी था। लोकसभा 2019 में बड़ौदा क्षेत्र में किसे कितने वोट मिले वो अब ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस से थे 65,689 वोट, रमेश चंद्र कौशिक बीजेपी से। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।